नमस्कार, खबर समय चौकत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल भोपाल की पिपलानी इलाके में रहने वाले युवक ने 15 सितंबर को घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया था। इस मामले में मृतक की मां ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपा है, जिसमें बिलखिरिया थाने के एक आरक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की बात लिखी है। आरक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक की मां की ओर से पुलिस उपायुक्त कार्यालय में भी शिकायत की गई है। इधर पुलिस का कहना है कि घटना के बाद स्थल निरीक्षण के दौरान सुसाइड नोट नहीं मिला था, बाद में यह नोट सुपुर्द किया गया, जिसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सचिन दमार ने पिपलानी स्थित अभिनव कैंपस में मां के साथ रहता था। वह कार शोरूम में जॉब करता था। उसने अपने घर पर 15 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी। इस समय वह घर में अकेला था। उसकी मां नर्मदापुरम में थी। युवक की नानी 16 सितंबर को भुसावल से भोपाल आई थी। सचिन के घर पहुंची, जहां काफी आवाजें देने पर भी गेट नहीं खुला, गेट अंदर से लॉक था। बताया जा रहा है कि मृतक के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किए जाने की जानकारी बिलखिरिया पुलिस को मिली थी। एक साइबर ठगी के केस की जांच में मृतक का अकाउंट चिन्हित किया गया था। इसी केस से नाम निकलवाने के लिए आरक्षक सचिन से रकम की मांग कर रहा था। सचिन की मां ने शिकायत में लिखा कि बेटी की सुसाइड से एक दिन पहले संजय सिंह सिसोदिया उनके घर पहुंचा था। इस बात की जानकारी उन्हें मोहल्ले वालों ने दी थी। दिनांक 30/9/24 में कल्पना नगर थाना पिपलानी में एक घटना हुई थी, जिसमें श्रीमती कांता बनवे, जो कि वहां पर अपनी एक दोस्त के साथ में मंदिर से बाहर निकली थी, तकरीबन शाम में 7:10 के आसपास में एक अज्ञात लड़के ने आके इनके पीछे से गले से चेन झपट्टा मार के चेन खींच के फरार हो गया था, जिस पर से कि हमारे डीसीपी महोदय, एडिशनल डीसीपी साहब के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें थाना स्तर पर ही टीम का गठन किया गया। और टीम में थाना प्रभारी अनुराग लाल, चौकी प्रभारी आनंद नगर संतोष रघुवंशी और नरेंद्र चौहान और दिव्यांश, इनके द्वारा कड़ी मेहनत करके लगातार फुटेज, एक से सीसीटीवी सारे फुटेज चेक किए गए, जिसमें से कि एक लड़के को इसमें से सीसीटीवी से आइडेंटिफाई करते हुए उसके निवास पर पहुंचे, जिसकी आर्यन नायक नाम का एक लड़का था, जो कि एलएन सिटी कॉलेज से अपने बीटेक फोर्थ ईयर में है और इसका प्लेसमेंट भी हो रखा है, पर परंतु कर ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है, जिससे कि ये काफ़ी सारे कर्ज में दबा हुआ था और इसने अपना लैपटॉप वगैरह कहीं गिरवी रख दिया था और जिस कारण से इसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया था। गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। उसमें और भी कोई लड़के हैं स्टूडेंट्स? ना, जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखे थे उसमें एक लड़के के द्वारा ही ये काम किया गया था और ये घटना स्थल से लेके अपने निवास स्थान तक, जहां तक कि हमारी टीम ने इसको ट्रैक किया, ये अकेले अकेले ही मुंह छुपाते हुए, कहीं मास्क लगा के कहीं इस तरीके से छुपाते हुए अपने निवास तक पहुंचा। अकेला कहां का रहने वाला है ये? मूलतः सागर का रहने वाला है। तो इसका परिवार यहां रहता है या हॉस्टल में ये दिल्ली एसी में जैसे किराए पे रूम लेके ऐसे रहता है और इसके पिताजी वगैरह पूरी फैमिली सागर में निवास करती है। फैमिली बैकग्राउंड की पिताजी की दुकान वगैरह है, जैसा कि अभी इनिशियल जानकारी जो मिली हुई है, मोटर बाइंडिंग वगैरह की दुकान है इनकी पिताजी की। बिल्कुल चेन की नहीं, उसने जो चेन उसके हमने बरामद करी है वो चेन की तस्दीक भी हो चुकी है, चेन वही है जो कि उसके द्वारा कार ने मतलब इस झपट्टे मार के चेन छीन ली थी। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।